नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जीवनी शक्ति और ऊर्जा के देवता ग्रहों के सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 12 जुलाई 2024 की रात्रि में 7:11 पर सेनापति मंगल अपनी स्वराशि मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को छोड़कर शुक्र से प्रभावित वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और 26 अगस्त 2024 तक मंगल वृषभ राशि में संचरण करने वाले हैं। इस समयावधि में मंगल देव देवगुरु बृहस्पति के साथ युति भी बनाने वाले हैं, तो इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव पड़ने वाला है। इस राशि परिवर्तन का सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, यह जानकारी देने वाले हैं। सिंह राशि वाले जातकों, किन किन क्षेत्रों में आपको शुभता मिलने वाली है और कहां पर आपको जीवन में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो देखिए, मंगल के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सेनापति मंगल को ज्योतिष शास्त्र में काफी प्रभावी ग्रह माना जाता है। इनको क्रूर ग्रह माना जाता है। मंगल को साहस और संकल्प शक्ति का, छोटे भाई बहनों का, ताकत का, अचल संपत्ति का, सौतेली मां का, पुलिस फौज और प्रशासनिक क्षेत्रों का भी कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर मंगल का विशेष प्रभाव होता है और किसी भी राशि के जातक की कुंडली पर मंगल अगर प्रभावी अवस्था में विराजित हो तो जीवन में कई प्रकार की सफलता देखने के लिए मिलती है। देखिए, बलवान मंगल के प्रभाव से जातक शारीरिक रूप से बहुत ही मजबूत रहता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफी मजबूत रहती है। जल्दी जल्दी कोई बीमारी नहीं घेरती है। मंगल अगर बलवान हो तो जातक को खेल, सेना, शारीरिक प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए क्षेत्रों में कम प्रयासों में बड़ी सफलता देखने के लिए मिलती है और बलवान मंगल के प्रभाव से विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने की क्षमता भी ऐसे व्यक्ति के अंदर देखने के लिए मिलती है। तब आइए हम आपको बताते हैं कि मंगल आपके जीवन में कैसा प्रभाव देने वाले हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों, यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। आप इसे इसी आधार पर देखें। सिंह राशि वाले जातकों, आपकी राशि के लिए मंगल प्रबल राजयोग प्रदाता ग्रह भी माने जाते हैं और जो 12 जुलाई 2024 को आपके राशि के दशम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। कुंडली के दशम भाव में मंगल देवगुरु के साथ युति बनाने वाले हैं और हम आपको बता देना चाहते हैं कि दशम भाव पर मंगल को दिशा बल भी प्राप्त है। कुंडली के दशम भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार किया जाता है। मंगल की चौथी दृष्टि आपकी राशि के लगन भाव पर पड़ने वाली है। सप्तम दृष्टि आपकी राशि के सुख भाव पर जाने वाली है। अष्टम दृष्टि आपकी राशि के संतान भाव पर जाने वाली है। सबसे पहले तो सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में मंगल आपके कर्म क्षेत्र के मामले में शुभता देने वाले हैं। मंगल के इस परिवर्तन से जातकों को कार्य कुशलता आपकी काफी ज्यादा बढ़ी रहेगी। साथ में पूर्व समयावधि से किसी भी काम को लेकर यदि आप उतार चढ़ाव महसूस कर रहे हैं, इस समयावधि में आपके कार्यों में उत्साह और कार्यों में तीव्रता रहने वाली है। सिंह राशि के ऐसे जातक जो मंगल जनित क्षेत्रों में काम करते हैं, सेना, पुलिस, आर्मी, रियल एस्टेट, सर्जरी, यदि आप सर्जन हैं, रसायन शास्त्री हैं, जेलर,
होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे का संचालन करते हैं। इन सभी क्षेत्रों में जुड़े हुए जातकों को कर्म क्षेत्र में आराम, शुभता और नए अवसरों की प्राप्ति भी होने वाली है। सिंह राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, यह समय आपके जीवन में शुभकारी रहने वाला है। उसके साथ साथ सिंह राशि वाले जातकों, चूंकि मंगल देव आपके राशि के सुख भाव के स्वामी यानी फोर्थ हाउस के स्वामी माने जाते हैं और इनकी चौथी दृष्टि जो है, सप्तम दृष्टि जो है, वो आपके सुख भाव पर ही जाने वाली है, तो 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त 2024 तक यदि आप प्रयास करते हैं तो पारिवारिक जीवन में समन्वय भी बनने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों, यदि आपको पारिवारिक जीवन में लगातार मतभेद या पारिवारिक वातावरण के नेगेटिव होने की वजह से समस्याएं हो रही है, इस समयावधि में पारिवारिक जीवन सुखद बनने वाला है। और सिंह राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में पूर्व समयावधि से ही भौतिक सुखों की कमी बनी हुई है, यदि आप प्रयास करते हैं तो आपके जीवन में आसानी से भौतिक सुखों की वृद्धि भी होने वाली है, यानी भूमि, भवन, वाहन का लाभ मंगल आपको दिलाने वाले हैं। और यहां पर सबसे बेहतर तो सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में यह रहने वाला है, इस समयावधि में यदि आप प्रयास करते हैं तो आपको एजुकेशन सेक्टर में, यदि आप परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीवन में बड़ी सफलता भी मिलने वाली है। सिंह राशि के ऐसे जातक जिनको संतान सुख नहीं है और यदि आप संतान प्राप्ति की कामना लेकर चल रहे हैं, आपके जीवन में इस समयावधि में नवीन संतति का योग भी बनने वाला है, यानी आपको संतान प्राप्ति भी हो सकती है। और सिंह राशि के ऐसे जातक जो पिछले समय से लगातार घर के बड़े सदस्यों के साथ विरोध का भाव देख रहे हैं या परिवार में किसी भी प्रकार के बड़े सदस्यों के बीच में यदि आपका मतभेद है, वो समाप्त होने वाला है। इस समयावधि में जो सिंह राशि वाले जातक हैं, धार्मिक स्थान पर जाने की योजना भी आप बना सकते हैं। इस समयावधि में पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं या धार्मिक तीर्थ स्थल पर भी आप जाने के लिए सक्षम रहने वाले हैं। और दशम भाव पर मंगल की मौजूदगी है दर्शकों, इनकी चौथी दृष्टि जो है वो आपके लगन भाव पर जाने वाली है, इसका दो प्रभाव आपके जीवन में बहुत ही बेहतर रहने वाला है। सबसे पहला प्रभाव तो ये रहेगा, यदि आपका व्यक्तित्व पिछले समय से काफी खराब है तो आपके व्यक्तित्व में निखार होने वाला है। और दूसरा, सिंह राशि के ऐसे जातक जिनको किसी प्रकार की शारीरिक समस्या चल रही है, देखिए यहां पर आपकी शारीरिक रूप से भी आपको शुभता देने वाले हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाने वाले हैं। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में मिल सकता है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभता अर्जित करने के लिए सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ रहने वाला है। दूसरा, मंगल जनित दुष्प्रभावों को यदि आप समाप्त करना चाहते हैं तो सिंह राशि वाले जातकों इस समयावधि में मंगलवार के दिन यदि आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं या यदि आप बंदरों में गुड़ और चने डोनेट करते हैं तो भी आपके जीवन में शुभता काफी ज्यादा मिलने वाली है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।